हमने पूरी व्यवस्था कर दी, दिल्ली के अंदर आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए पूरी व्यवस्था कर दी हम लोगों ने। 12वीं क्लास तक सरकारी स्कूल है, शानदार पढ़ाई है, सरकारी स्कूलों में भेजो। अब तो आपको जान के ताज्जुब होगा, इस साल 2.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में आए, 2.5 लाख, 2.5 लाख बच्चे, ये तो हमारा डेटा है, 2.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में आए हैं। तो सरकारी स्कूल बड़े अच्छे हो गए, एक तो ये बात। 12वीं करने के बाद अगर आपका बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, आजकल कोचिंग बड़ी महंगी हो गई है, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग कराओ, वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, रेलवे के पेपर देने हैं, बैंकिंग के पेपर देने हैं, कोचिंग करनी पड़ती है, एक एक कोचिंग में 3-3, 4-4 लाख रुपए लेते हैं। हमने आपके बच्चों के लिए स्कीम बना दी, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो, सारा पैसा हम देंगे। पूरे देश में अकेली सरकार है हमारी, अकेली सरकार है, पैदा होने से लेके और ऊपर से ऊपर तक की पढ़ाई का इंतजाम कर दिया हमने, बता रहा हूं अभी एक एक करके। तो आप एडमिशन लो, हमको आके बता दो जी मैंने फलाने फलाने इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया, मैं अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहता हूं, डॉक्टर बनाना चाहता हूं, फलाना ढिमका जो बनाना चाहते हो आप, वो IAS बनाना चाहता हूं, IPS बनाना चाहता हूं, जो बनाना चाहते हो, बच्चों को एडमिशन दिलाओ, उसकी कोचिंग का सारा खर्चा हमारा। जब बच्चा कॉलेज में जाएगा तो कॉलेज में 10 लाख रुपए तक का लोन देते हैं आपके बच्चे को, कुछ भी गिरवी नहीं रखना, कोई गहने गिरवी नहीं रखने, सरकार आपके बच्चे की तरफ से गारंटी देती है कि अगर ये बच्चा बड़ा होकर अपना लोन वापस नहीं करेगा तो सरकार वापस करेगी। 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है ग्रेजुएशन के बाद। ये मैंने और राजेंद्र गौतम जी ने बैठ के इसको पूरा बनाया था। ग्रेजुएशन के बाद अगर आपका बच्चा बाबा साहब अंबेडकर की तरह डॉक्टरेट करना चाहता है, अगर आपका बच्चा अमेरिका जाके, अगर आपका बच्चा इंग्लैंड जाके डॉक्टरेट करना चाहता है, PhD करना चाहता है, MTech करना चाहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, आपको बाबा साहब अंबेडकर के जितना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। आप पूरी दुनिया की बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को पढ़ाओ, विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ाओ, विदेशों में आपके बच्चों को पढ़ाने का खर्चा दिल्ली सरकार देगी। बाबा साहब अंबेडकर का सपना था कि हर दलित बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, 70 साल के अंदर वो सपना पूरा नहीं हुआ, मैंने कसम खाई है, बाबा साहब अंबेडकर का सपना मैं पूरा करूंगा। तो दोस्तों आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, मैं वोट नहीं मांग रहा, मैं पैसे भी नहीं मांग रहा, आज आपसे एक वचन मांग रहा हूं, कुछ भी हो जाए सारे जने अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दो। दोगे कि नहीं दोगे, दोनों हाथ खड़े करके बताना, हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। और सबसे बड़ी आज सबसे बड़ी देशभक्ति यही है, सारे जने अपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दो, अपने अपने बच्चों को लायक बना दो, भारत महान देश बन जाएगा। ये बच्चे ही हमारा भविष्य है, और भारत आगे कैसे बढ़ेगा, सबके बच्चे अच्छे हो गए तो भारत अच्छा हो गया, है कि नहीं है।